पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग महानगर का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में किया गया। आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में प्रथम सत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल मुख्य वक्ता रहे। प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलन के दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, महानगर प्रभारी वाईपी गुप्ता, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महापौर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता संयुक्त रूप से मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसमें धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया तो वहीं वाईपी गुप्ता का भी स्वागत हुआ। नथुराम कश्यप ने महानगर अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर वर्ग का संचालन महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में होने वाली भाजपा के प्रति चर्चाओं के विषय में जानकारी ली, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपना सुझाव दिया। इससे पहले शुरुआत साहित्यकार प्रेमवती उपाध्याय ने गीत के साथ की। पहले सत्र में व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की गई। दूसरे सत्र में क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल द्वारा हमारा विचार विषय पर चर्चा की। तीसरे सत्र में पूर्व मंत्री अशोक कटारिया के द्वारा संबोधित किया गया। आपने यशस्वी महाअध्यक्ष श्री धर्मेंद्र नाथ मिश्रा से आए धन्यवाद। हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष, आईटी के होते हुए आज क्षेत्र के अध्यक्ष ऐसे आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिम क्षेत्र में भाजपा की सरकार बनी है, जिनके नेतृत्व में हमारा संगठन के अंदर जो जोश उनके आने के बाद पैदा हुआ है, काम के संगठन के कार्य पद्धति को उत्तर प्रदेश देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काम को एक अच्छी नागरिक के नाते भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, उसको गौरवशील बनाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण अभियानों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। पार्टी निरंतर समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण अभियानों का आयोजन भी करती है और उसी के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के आज मुरादाबाद की इस पावन धरती पर हम सब कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण अभियान के माध्यम से हम लोग विभिन्न विषयों पर विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से अपने स्वयं के व्यक्तित्व विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस सत्र में हम व्यक्तित्व विकास को लेकर के चर्चा भी करेंगे और किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को और विकसित कर सकें ताकि हम देश के लिए, आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए हम सब लोग इस सत्र में चर्चा करें। मैं आपसे एक संवाद के माध्यम से इस सत्र को आगे बढ़ाने हेतु एक एक व्यक्ति से एक एक बात कर सकता है। मैं ऐसा प्रारंभ करते हुए ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आम लोगों के मन में क्या रहा है, तो जिसको बताना हो अपना हाथ खड़ा करिए, व्यक्ति बताए। आम जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचती है, ऐसा आप लोगों के मन में उनके माध्यम से आई जानकारी के माध्यम से आप किसी व्यक्ति बताए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।